दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर डिडवी टिकर हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट हार्डवेयर प्लाईवुड टिम्बल टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। सोमवार से मंडी में सभी दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। व्यापार मंडल इस निर्णय से हुआ खुश। प्रदेश सरकार ने सभी दुकानें और अन्य संस्थानों को 21 मई 2021 से सप्ताह में 5 दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक 5 घंटों के लिए खोलने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकारी कार्यालय 30% उपस्थिति के साथ कार्यशील रहेंगे। केवल 4 कर्मचारी वाले स्टैंड अलोन कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुले रहेंगे। यह निर्णय भी लिया गया कि दूध, ब्रेड और दवाइयों की दुकानें हमेशा की तरह शनिवार और रविवार को भी खुली रहेंगी। व्यापार मंडल के प्रधान राजेश महेंद्रू ने व्यापारियों के हित के लिए इस निर्णय के मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। मैं राजेश महेंद्रू, अध्यक्ष मंडी व्यापार मंडल। सोमवार से जो है, जैसे सरकार ने पिछले कल ऑर्डर एक इशू किया है, सारा ट्रेड जो है, सारे कारोबार जो हैं सोमवार से खुल जाएंगे। इसका समय रहेगा सुबह 9 बजे लेके दोपहर 2 बजे तक। हर एक ट्रेड ओपन रहेगा, इसमें कोई बंदिश नहीं है इस बार में, ये बंद है वो बंद है। हर एक ट्रेड 5 दिन 5 घंटे के लिए ओपन रहेगा। तो मैं इसके लिए तहे दिल से मंडी व्यापार मंडल की तरफ से, समस्त मंडी के व्यापारियों की तरफ से मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने व्यापारियों को जो राहत दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के रिगार्डिंग मैं थोड़ा शेयर करता हूँ। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री महोदय से हिमाचल व्यापार मंडल का डेपुटेशन मिला, जिसमें कि मैं हिमाचल व्यापार मंडल का उपप्रधान होने के नाते मैं भी उसमें सम्मिलित था। तो मंडी व्यापार मंडल ने उसमें बहुत ज़ोर शोर से व्यापारी हित में बात रखी। एक महीने से व्यापारियों का ट्रेड जो है बंद चल रहा है, तो व्यापारियों ने काफ़ी इसमें दिक्कतें सही, कारोबार बंद था। हिमाचल एक छोटी स्टेट है, 80% जो हमारा व्यापारी है वो बड़ा मध्यम वर्ग के व्यापारी है, जो बैंकों के सिर पे जो अपना कारोबार चला रहा था। या मेरे कुछ एक व्यापारी बंधु ऐसे थे जो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे। तो यही हर एक चीज़ हमने मुख्यमंत्री महोदय से शेयर की, जो हमें ग्राउंड में जो दिक्कत आ रही थी व्यापारी भाइयों को, तो मुख्यमंत्री महोदय ने हमें 1 घंटे का 1.5 घंटे का समय दिया। उसमें उन्होंने हर एक बात सुनी, पूरे जितने भी हिमाचल से व्यापारी आए थे, और उन्होंने उसी दिन आश्वासन कर दिया था भी मैं 1 तारीख से, तो मुख्यमंत्री महोदय ने 1 की जगह 31 को ही सारे ट्रेड खोल दिए, जिसके लिए राजा मिंद्रू खुद और समस्त कार्यकारिणी और समस्त मंडी व्यापार मंडल व हिमाचल के सभी व्यापारियों की तरफ से मैं मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने व्यापारियों को राहत दी। तो हमने मुख्यमंत्री महोदय से उसने भी शेयर किया था, जो हमारा ट्रेड 1 महीने के लिए बंद रहा, उसमें जो हमारे बिजली के बिल, पानी के बिल और कूड़े के बिल जो आ रहे हैं, कृपया उस पर रोक लगाई जाए या उस पर कुछ सरकार उसको बेवकूफ करे, जिससे व्यापारियों को जिनके ट्रेड बंद रहे हैं उनको एक राहत मिले। तो ये हमारी जो शिमला में चर्चा हुई, और मुख्यमंत्री महोदय ने कल एक हाई लेवल मीटिंग करके जो व्यापारियों को राहत दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर पूर्ण बाजार कब तक खुलेंगे, ऐसा कुछ संकेत दिया मुख्यमंत्री? देखो भैया, उस दिन भी यही डिस्कशन काफ़ी लंबी चली। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा भी सरकार में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ सहसों भी होगी, तो उस पर काफ़ी देर हम लोगों ने मंथन किया, तो उस पर वही एक आम राय बनी, 5 डे 5 आवर, 5 घंटे हफ्ते में ट्रेड खुलेगा 5 घंटे के लिए। और मेरा समस्त व्यापारियों से भी अनुरोध यही है, जो SOP सरकार ने गाइडलाइन जो इशू की है उसको हम लोग पूरा करें, उसकी वायलेशन ना करें, कहीं ऐसा ना हो हम लोगों की ढिलाई से फिर ये महामारी फैले और कल को हमें फिर कोई ऐसा कोई टाइम फिर से ना देखना पड़े। तो मैं सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध करता हूँ, मास्क, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर, उस चीज़ का ध्यान रखें और ग्राहकों को भी अवेयर करें। हम भी यही चाहते हैं कि हम लोगों की तरफ से कोई ऐसी आनाकानी वाली या कोई ऐसी नौबत ना आए जिससे जो है ये महामारी जो है, जिस पे हम लोगों ने इतने काफ़ी 1 महीना हम लोगों ने जो मेहनत की है
उसमें अगर सरकार की मेहनत तो मेरे व्यापारी भाइयों की मेहनत भी है कोरोना की रफ्तार कम करने के लिए, तो मैं सब व्यापारी भाइयों से अनुरोध। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे, भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।